तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के नमहु त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छहडाला नामक ग्रंथ है। मुनिराजों के जीवन के संदर्भ में चर्चा चल रही थी, कैसे होते हैं हमारे महामुनिराज, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की समता, हमारे महामुनिराज का जीवन, उनकी चर्या, उनका एक एक स्टेप जीवन का वो आदर्श है। उनकी उस चर्या से यह झलकता है कि जगत में कहीं सुख नहीं है, बाह्य विषयों में कहीं आनंद नहीं है। पांच महाव्रत के धनी, पांच समितियों का पालन करने वाले, पांच प्रकार के इंद्रिय विषयों से विरक्त, छह आवश्यकों का पालन करने वाले, सात प्रकार के विशेष गुण जिनके जीवन में दिखाई देते हैं, ऐसे होते हैं हमारे महामुनिराज। उन महामुनिराज का पांच महाव्रत, उसमें चार महाव्रतों की चर्चा कल तक हम आपके बीच में कर चुके हैं। कैसी होती है मुनिराजों की अहिंसा, सारा जगत बाहर के जीवों को न मरने को अहिंसा कहता है, लेकिन मुनिराज बचाने के भाव को भी हिंसा कहते हैं। समझना, थोड़ा घबराना नहीं, मैं बात क्या कह रहा हूँ। बचाने के भाव का नाम भी हिंसा है, क्या कह रहा हूं ध्यान देना। मारना तो है ही नहीं, मारने का भाव भी हिंसा है, लेकिन बचाने के भावों में भी राग भाव है ना। हिंसा ने भावित अवतरी, बचाने का भाव कैसे आए बोलो। बचाने का भाव कदाचित कुछ आ जाए तो उसे उपादेय नहीं जानते, उसे भला नहीं जानते। किसे बचाएं, कौन बचाए। प्रत्येक जीव अपनी जीवत्व शक्ति से सदा काल जिंदा रहता है, ये तो निश्चय से। व्यवहार से बात की जाए तो प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म के अनुसार जीता और मरता है। तो फिर साहब यदि ऐसा मान लिया जाएगा तो फिर किसी को भी मारो कि नहीं भाई, अनंत करुणा का परिणाम उनके हृदय में चलता है। अपने आप को चैतन्य तत्व समझते हैं, जगत के जीवन को भी चैतन्य अनुभव करते हैं। बड़ा अलग तरह का जीवन है मुनिराज का, बड़ा बैलेंस है जीवन में। बचाएंगे एक को भी नहीं क्या, लेकिन उनकी चर्या ऐसी होगी कि एक भी जीव की विराधना होगी नहीं। समझ में आ रही है बात, एक भी जीव की विराधना नहीं, ऐसी चर्या है उनकी, ऐसा जीवन है उनका। एक भी जीव उनके माध्यम से विराधना को, कष्ट को, तकलीफ को प्राप्त नहीं होता, ऐसी अहिंसा होती है उनकी। अंदर में शुद्धोपयोग द्वारा भाव प्राणों के घात से बचते हैं, और बाहर में उनकी चर्या इस प्रकार की होती है जिससे सर्व जगत के जीवों को अभयदान मिलता है, निर्भयता मिलती है। आगे चलकर के आएगी ऐसी पंक्तियां, जिनके निकट उपल खाज खुजावते, और बड़े पंडित जी की पंक्तियां हैं शायद, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। ओह कैसी 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 अलौकिक शूरता है उन महामुनिराजों की। हिंसा का त्याग, पूरी तरह से हिंसा का त्याग, रंच मात्र भी हिंसा जिनके जीवन में नहीं दिखाई देती हो, ऐसे अहिंसा महाव्रत के धनी है। झूठ बोलने का क्या काम, हम क्यों बोले झूठ, हमें किसको खुश रखना है और किसके नाराज हो जाने का डर है, ये भी तो झूठे झूठ क्यों बोलता है व्यक्ति, अपने प्रयोजन के लिए, सामने वाले बुरा मान जाएंगे यार, इसलिए घुमा फिरा करके बोलता है। सुनो, लपेट करके बात कहना भी झूठ की श्रेणी में आता है। सच्ची बात आप सामने वाले को वंचित कर रहे हो, आप सच्ची बात बता नहीं रहे हो। आप मैं भाई साहब निवेदन करना चाहता हूँ, प्रवचन मैंने शुरू किया है, आप लोगों ने प्रश्नों की बौछार डालना शुरू कर दिया है, आप मेरा प्रवचन पूरा सुन ले, फिर यदि कोई प्रश्न रह जाए तो आप अंतिम चरणों में जरूर प्रश्न करें।
सारी बातें बराबर आ जाएगी। ये तो प्रश्न आप पहले से सोच सोच करके आए, क्या क्या प्रश्न टाइप करने हैं। मैंने तो प्रवचन ही शुरू नहीं किया, अभी कोई बात कही नहीं मैंने। मुनि राजाओं का जीवन कैसा होता है उसे गहराई से समझने की कोशिश करें। कैसी चर्याएं हमारे महामुनि राजाओं की, ऐसे ही उनको पंच परमेष्ठियों में स्थान नहीं मिल गया क्या? पंच परमेष्ठियों में स्थान, अरहंत और सिद्धों की लाइन में, आप समझ रहे हो क्या क्या है वो चीज? आप जरा कल्पना करो उस पोजीशन की कि प्रधानमंत्री को कहीं किसी स्टेज पर बुलाया गया हो और उस स्टेज पर मुख्य अतिथि के रूप में बगल में आपको बिठाएं, तो आप कैसा फील करते हैं? भाई साहब उनके बगल में, आप समझ रहे हो उनके बगल में, तो एक तरफ अनंत भगवान है, दूसरे तरफ सिद्ध भगवान है और आचार्य उपाध्याय और साधु, ये एक लाइन में है पांचों परमेष्ठी। जो थोड़ा बहुत किंचित फर्क है सो तो होगा ही, लेकिन एक धारा प्रवाह में पांचों परमेष्ठियों को वंदन करते हैं ना रमोकार मंत्र बोलते समय। मैं वो बात कहना चाह रहा हूं आपको। मैं यहां एक और महत्वपूर्ण बात बीच में आप लोगों को बोलना चाहता हूं। हमारे जो महामुनि राज हैं, बहुत सारे लोग नमो लोए सव्य सावणम के में का अर्थ करते समय अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। नमो लोए सव्य सावणम, नमो लोए सव्य सावणम, गजब का ऐसा। इतने लोग ऐसे मिलते हैं जो अजैन लोग हैं। हम तो कॉलेज में भी पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर कई ऐसे थे जो कहते थे जैनियों का महामंत्र कितना उदार है, जिसमें नमो लोए सव्य सावणम दुनिया के सब साधुओं को नमस्कार किया है, कितना उदार है। हिंदू मुसलमान जैन जैन सब साधुओं को नमो लोए नमस्कार करता हूं, लोक के सब साहुणम सब साधुओं को वंदन करता हूं। कौन से साधुओं को भाई साहब, कौन से साधुओं को? सबको तो कर रहे हैं, लेकिन सब में कौन आएंगे? सब में वो आएंगे जो उस लेवल पर बैठने योग्य होंगे। समझ में आ रही है? सब वीतरागी साधुओं को होगा, सब दिगंबर साधुओं को होगा, सब ऐसे साधुओं को होगा सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। सारे साधुओं को वंदन होगा, लेकिन कौन से? परिग्रह वाले भी। आप परिग्रह वालों को बिना परिग्रह वालों की लेवल में कैसे रख सकते हो? मैं आपसे पूछता हूं, जब आप नमो आयरियाणम बोलते हो तो क्या आचार्य दूसरे आचार्यों को वंदन करते हो? बोलो, बाबा रामदेव जी भी आ जाते होंगे उसमें आपके नमोकार मंत्र में? जगत के और सब साधु जितने दुनिया भर में घूम रहे हैं, कोई पीतांबर, कोई रक्तांबर, कोई अलग अलग दूसरे दूसरे भेष धारण किए हुए, कोई माथे पर तीन पट्टी लगाने वाले, कोई तीन तिलक ऐसे लगाने वाले, कोई आड़ी पट्टी वाले, कोई कोई सब आ जाते होंगे उसमें, सब आ जाते होंगे। कुंभ के मेले में जितने साधु भरते हैं वो सब आ जाते होंगे? नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। ये मंत्र बहुत महान है और हम तो ये कहना चाहते हैं ये इतना महान है कि आप भी उन पंच परमेष्ठियों में शामिल हो सकते हैं। ये इतना महान मंत्र है, इसमें किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं है। क्षत्रिय थे हमारे तीर्थंकर जितने हुए, वो तो क्या फर्क पड़ गया, दीक्षा ले ली उन्होंने, वस्त्र भूषण का त्याग किया, नग्न दिगंबर हो गए, मुनि हो गए, अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ली, फिर सिद्ध बन गए, कोई ऐतराज नहीं है हमारे। इसलिए बहुत गंभीरता रखना, बहुत सावधानी पूर्वक विषय को समझने की चेष्टा करना। पांच महाव्रतों में से चार महाव्रतों की चर्चा आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से मैं कर चुका हूं। रंच मात्र भी झूठ नहीं है, चोरी का क्या काम जीवन में? क्या अपेक्षा है? जगत के किसी पदार्थ को चाहते नहीं है तो चोरी उनके जीवन में कैसे होगी, ये तो बताओ। कुशील कैसे हो सकता है? 18,000 प्रकार से वे शील का पालन करते, कितना उत्कृष्ट शील का पालन करते होंगे, कितने प्रकार से कोई दूषण नहीं लग जाए, कोई दोष नहीं लग जाए। अरे कदाचित कहां कहीं कोई दोष लगता है तो प्रायश्चित करते, क्योंकि 18,000 प्रकार के है ना, कदाचित किसी तरह का कोई विकल्पादि हुआ, कोई इस तरह की कोई बात हुई, कहीं कृतकारित अनुमोदना के भी और उत्तर भेदों में भेद में भेद में भेद में यदि कहीं कुछ इस तरह की बात हुई तो प्रायश्चित करेंगे। लेकिन जैसे अनाचार दिखाई देते हैं जगत में, उनका तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती है। समझ रहे हैं आप? चार हो गए, पांचवे की तरफ बढ़े अपन। क्या नाम है पांचवे का? परिग्रह परिमाण। अरे परिग्रह परिमाण तो अनुव्रत था, यहां तो महाव्रत है।
आप परिग्रह महाव्रत की चर्चा भी करेंगे और कुछ समितियों की चर्चा भी करेंगे। क्या होती है समितियां, माने मैं तो ऐसा कहता हूं समितियों के संदर्भ में ये है मुनिराजों की लाइफ स्टाइल। समितियों की चर्चा करेंगे तब पहली लाइन में तो चर्चा कर रहे हैं परिग्रह त्याग महाव्रत की, और बाकी तीन लाइनों में चर्चा की है तीन समितियों की, दो समितियों की। देखो छंद पढ़ते हैं, धीरे धीरे बोलो भाई, आनंद लो आप तो। क्या अंतर चतुर दश भेद बाहिर संग दस धा के टले परवाद तजी चो कर मई लखी जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे रोग नर जीव के वचन मुख चंद्र ते अमृत जरे। क्या अंतर चतुर्दश और भेद बाहिर संग, संग का अर्थ होता है परिग्रह, दशधा माने हैं टेन, पांच और पांच दस, अंतर में चतुर्दश भेद, चतुर्दश माने चौदह भेद, और बाहर में दस प्रकार के संग, संग माने परिग्रह, ते टले वो टल गए हैं जिनके, वे हैं हमारे महामुनिराज। दस प्रकार के बहिरंग परिग्रह, चौदह प्रकार के अंतरंग परिग्रह। आपने सुनी है ऐसी लाइनें दस लक्षण पूजन में बोली जाती है, परिग्रह चौबीस भेद त्याग करे मुनिराज जी। अब ये पूजन तो सब करते हैं ना, परिग्रह चौबीस भेद त्याग करे मुनिराज जी। परिग्रह चौबीस भेद, चौबीस प्रकार के भेद हैं परिग्रहों के जिनका हमारे महामुनिराज त्याग करते हैं। दुनिया को पता ही नहीं है चौबीस प्रकार के परिग्रहों का, बोले चौबीस प्रकार के परिग्रहों में चौदह परिग्रह तो अंतरंग होते हैं, दस हैं बाहर के परिग्रह। तो नाम जानते हैं चौबीस परिग्रहों में जो अंतरंग के चौदह परिग्रह हैं उनके तो नाम नहीं जानती होगी दुनिया। सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। क्या बात कर रहे हो, ये परिग्रह है, ये परिग्रह है, पता नहीं कौन कौन सी किताबों से लेकर के आते हो आप। अरे भाई साहब, दुनिया की सारी किताबों में लिखा है परिग्रह के चौबीस भेदों के नाम, देख लेना। एक नंबर का परिग्रह है मिथ्यात्व, दो नंबर का परिग्रह है क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। चार प्रकार के परिग्रह ये हो गए, एक मिथ्यात्व, फिर क्रोध, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ, पांच हो गए। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद के परिणाम नहीं है, जो मंद कषाय से नौवे गुणस्थान तक वेद का सद्भाव कहा है उसे भूमिका के अनुसार मंद, मंदतर और मंदतम जानना। हमारे महामुनिराज बुद्धि पूर्वक हंसने में नहीं उलझते, हास्य भी परिग्रह है, रति अरति भी परिग्रह है, ये सब अंतरंग परिग्रह है। अरे यार किसे बोलो, दुनिया को क्या कहें हम, असली परिग्रह अंतरंग परिग्रह होता है, बहिरंग परिग्रह में कुछ दम नहीं होता है। बहिरंग परिग्रह नियम से छूटेगा, ध्यान देना, जिसके बाहर में परिग्रह है वो तो परिग्रह ही है ही, जिसने अभी कपड़े पहन रखे हैं वो तो परिग्रह है ही। लेकिन यदि मैं कपड़े खोल करके वॉशरूम में नंगा हो जाता हूं तो मैं कोई परिग्रह त्यागी नहीं हो गया, समझ रहे हैं आप। माने परिग्रह का जो त्याग है वो असली त्याग अंदर से होता है, बाहर में उसका प्रदर्शन दिखाई देता है। अंदर में पदार्थों के प्रति अपनापन छूटता है तो परिग्रह का त्याग कहलाता है। चौदह प्रकार के परिग्रहों के त्याग की बात कह रहे हैं, अंतरंग परिग्रहों की। बाहरी विषयों में सुख नहीं है ये मान्यता होती है तब जाकर के बाहरी वस्तुएं छूटती है,
कैसे छूटेगी बताओ मेरे को। अपनापन बना हुआ है बाहरी पदार्थों के साथ में, और आपको छोड़ दिया हमने तो छोड़ दिया। छोड़ा क्या तुमने? मैं बहुत बार ऐसे उदाहरणों से समझाता हूँ, छोटे छोटे से बच्चों को समझाता हूँ, कई बार इस तरह की चर्चा करता हूँ मैं। ये जो है ना ये चीज, इसको छोड़ो। तो कैसे छोड़ा? ये हाथ में उठाई और ये छोड़ दिया। छोड़ दिया ना साहब मैंने, छोड़ दिया साहब मैंने, छोड़ दिया। अच्छा आप आलू कैसे छोड़ते हो? ऐसे ही छोड़ते होंगे, आपने छोड़ दिए ना आलू। हमारे यहाँ तो घर में कोई आलू प्याज कुछ कुछ नहीं खाते, जमीन गंद किसी तरह का कुछ आता नहीं, तो कैसे छोड़ा भाई बोलो? तुमने जब भी छोड़ा था तो कैसे छोड़ा था? मैं सभा में पूछना चाहता हूं, आप लोग त्याग करते हैं तो किस तरह से त्याग करते हैं? एक ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी का त्याग करता है, शादी नहीं करने का नियम लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, स्त्री से दूर रहने की प्रतिज्ञा लेता है, तो कैसे लेता है? पहले तो औरत को पकड़ेगा, अब कहते मैं औरत का त्याग करता हूं। ऐसे 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 त्याग किया जाता है? कैसे त्याग होता है? त्याग किस प्रकार से होता है? मैंने वो ब्रह्मचर्य के संदर्भ में एक कहानी सुनाई थी, शायद पता नहीं कब की बात है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने 1.5-2 महीने में कभी कौन सी क्लास में सुनाई थी। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति, दो ब्रह्मचारी नदी किनारे टहल रहे थे, है ना, दो ब्रह्मचारी व्यक्ति नदी किनारे टहल रहे थे, और टहलते टहलते ही एक एक व्यक्ति एक लड़की को डूबते हुए देखा, और एक ब्रह्मचारी व्यक्ति उनमें से फटाफट कूदा और लड़की को उठाकर अपने कंधे पर बिठा करके और नदी पार करा दी, उसने निकाल करके ले आया, बचा लिया उसको। अब जो दूसरा ब्रह्मचारी व्यक्ति था, वो व्यक्ति पहुंचा गुस्सा होता हुआ, आग बबूला होता हुआ अपने गुरु के पास में कि महाराज इसने पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ब्रह्मचारी की बात कह रहा हूं, मुनिराज तो बहुत अलग लेवल है। अरे महाराज इसने तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। ब्रह्मचारी होकर के लड़की को टच किया, और टच क्या किया, उसको अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के आया, डूबती लड़की को निकाला, इसने ऐसा किया। तो गुरु ने बहुत शांत भाव से उसे शांत करते हुए कहा कि वत्स, उसके कंधे पर से तो लड़की नदी के किनारे पर ही उतर गई थी, तेरे माथे पर तो अभी तक सवार है। समझ में आ रही है बात? कहां से त्याग होता है? त्याग दिल से होता है, त्याग मन से होता है। वो पदार्थ लेने का भाव नहीं आया, इसका नाम त्याग कहलाता है। परिग्रह का त्याग माने परिग्रह को ग्रहण करने का परिणाम नहीं आया, वो त्याग कहलाता है। बाकी कोई ट्रांसफर ट्रांसफर का चक्कर नहीं है, वो होता है सब जो कुछ भी होता है। मैं कभी कभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, छोटी सी बात है। एक सेठ जी, बहुत फैक्ट्रियां चल रही है, बिजनेस चल रहे हैं, बैंक बैलेंस है, लॉकर है, सारे बहुत FDI हैं सेठ जी के नाम, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, दुनिया भर के काम हो रहे हैं उनके नाम, सेठ जी के नाम, जमीन जायदाद है सब कुछ, प्रॉपर्टी सब सेठ जी के नाम है। अब वो सेठ जी, ध्यान देना प्रश्न क्या कर रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब देना। अब वो सेठ जी वहां से मुनिराज के चरणों में आए और वंदन किया और उनका उपदेश सुनने के लिए बैठे। बोलो भाई परिग्रही है या नहीं है? वो सेठ जी, कहानी सुना रहा हूं यार, बोलो। वो सेठ जी जिनके पास में सारा बैंक बैलेंस है, परिग्रह है, धन दौलत है, वैभव है, संपत्ति है, वो सेठ जी वहां से मुनिराज के पास में आए और आकर के सामने महाराज का उपदेश हो रहा है, वो बैठ करके उपदेश सुन रहे हैं, वो परिग्रही है या नहीं है? है ना। लेकिन वो तो बंगला तो साथ में लाए नहीं है, चेकबुक तो साथ में लाए नहीं है अभी, बोलो। वो मकान जमीन जायदाद की रजिस्ट्रियां तो साथ में रखी हुई नहीं है, आप कैसे कह रहे हो परिग्रही है? कि आप एक जवाब देंगे, पंडित जी सारी उनके नाम है, यहां थोड़ी ना लाई जाती है, यहां नहीं लाए, सब इन्हीं के नाम है, कैसे नहीं है परिग्रही? करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, अरबों की संपत्ति के मालिक है, कैसे नहीं है वे परिग्रही? अच्छा साहब ठीक है, परिग्रही मान लिया, जैसा आपने कहा वैसा हमने मान लिया, ठीक है परिग्रही है। सेकंड नंबर, अब सुनो, महाराज का उपदेश सुनते सुनते वैराग्य भाव जागृत होने लगा, अंदर में 12 भावनाओं का चिंतन चलने लगा। वैराग्य और उपदेश सुनते सुनते इतने डूब गए अंदर में, उन्होंने कहा महाराज आपकी बहुत कृपा होगी, मुझे दीक्षा प्रदान करें।
वहीं कपड़े उतर गए, दीक्षा हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप परिग्रही है या नहीं है? आप परिग्रही नहीं है? सुनो, लॉकर अभी भी उन्हीं के नाम है, जमीन जायदाद अभी भी उन्हीं के नाम है, सारी प्रॉपर्टी अभी सेठ जी के ही नाम है, बैंकों में खाते उन्हीं के नाम है, एफडीआई उन्हीं के नाम से चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममत्व टूट गया उसके प्रति, परिग्रह छूट गया। समझ रहे हो आप? देखिए, अरे होगा, बढ़ने दो जो कुछ भी हो, हमें क्या लेना देना है उससे। हमने उसके प्रति अपनापन तोड़ दिया, हमारा तो नया जन्म हो गया। आप जानते हैं, दीक्षा लेते हैं तो नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, माँ बाप बदल है ही नहीं, संबंध टूट गया है। समझ रहे हैं आप? ये गोत्र क्यों बदल दिया? अच्छा, नाम बदलने की क्या जरूरत है? नाम बदलने का मतलब ये है अब हमारी पहचान बदल गई, अब वो नहीं है हम। रामलाल जिसे नाम से जाना जाता था, हरिशंकर, मदन मोहन, वीरचंद, वीरेंद्र, संजीव, राजीव, जिस नाम से जाना जाता था, अब वो नहीं है हम। अब तो हम दर्शन सागर हैं, अब तो हम ज्ञान सागर हैं, हम तो हम चारित्र नंदी हैं। समझ रहे हो? अब जो भी नाम बदल गया है, अब वो नाम हो गया है, अब हमने हमारा वो नाम ही नहीं। कि साहब आप तो एमए पढ़े लिखे हो, कहाँ पढ़े लिखे हैं एमए, कहाँ पढ़े लिखे हैं? ये जो मार्कशीट है, ये मार्कशीट तो संजीव गोदा की है, और मैं संजीव गोदा हूं ही नहीं। बोलो मैं क्या कह रहा हूं, आपको पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये जो मार्कशीट है, जिस मार्कशीट के आधार पर आप मुझे एमए कह रहे हो, पीएचडी कह रहे हो, प्रोफेसर कह रहे हो, इंजीनियर कह रहे हो, डॉक्टर कह रहे हो, समझ में आ रही? इतना मतलब ये तो, ये सारी किसी दूसरे की आइडेंटिटी है भैया। क्या जिस नाम से आज मैं मुनि हो गया हूं, इस नाम से जाकर के यूनिवर्सिटी में तलाशो कौन सी डिग्री मिलेगी तुम्हारे को, और इन डिग्रियों से महानता नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीएचडी की डिग्री, एमए की डिग्री, एमफिल की डिग्री, जो भी डिग्री है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, वो ज्यादा बड़ी डिग्री है या हमारे 108 महामुनिराज, 108 जो उनके आगे लगा है, ये ज्यादा बड़ी डिग्री है? बोलो, खत्म करना आप क्या? अरे नहीं नहीं, मुनिराज तो सभी होते हैं, मुनिराज तो सभी होते हैं, ये तो पीएचडी मुनिराज है, पीएचडी मुनिराज कैसे हो गया? अब तुम डिग्रियों के आधार पर उनकी बात करने लगे। हम कह रहे हैं डिग्रियों के प्रति ममत्व तोड़ दिया है। एमपी महाराज क्या आप सब? अरे नहीं नहीं, ये तो क्या, ये तो अनपढ़ थे, इन महाराज में दमी क्या है, ये तो पढ़े लिखे महाराज है। अरे भाई यो, दिगंबर संतों में ऐसा भेद नहीं किया जाता है, दोनों केवल ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी हैं, दोनों भगवान बनने के अधिकारी हैं, और केवल ज्ञान हो जाने के बाद में किसका कम और किसका ज्यादा? शिवभूति मुनिराज, चार अक्षर याद नहीं होते थे, छह द्रव्यों के नाम याद नहीं होते थे, सात तत्वों के नाम याद नहीं होते थे, णवोकार मंत्र याद नहीं था, बोलो जिनको, तीर्थंकरों के नाम याद नहीं थे, चेरोपचम इतना बंद हो गया तो हो गया, क्या करें बोलो आप, नहीं रहते हैं तो नहीं रहते हैं, और वेद विज्ञान के बल पर कुंद कुंदाचार्य भाव पावड़ के अंदर गाथा लिखते हैं उनके बारे में, ओ तुष्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो ये महानुभाव हो ये नामेण शिव हुई केवल नाणी फुड़म जाओ। क्या समझ में आ रही है बात? भाई इधर उधर के प्रश्न नहीं है, मुनिराजों के नाम पर चैनल हो सकते हैं क्या? कुछ ये हो सकता है क्या तुम्हें? क्या मुनिराज का अपनापन थोड़ी ना है, दुनिया कुछ भी करे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम यहां स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, मुनिराज के नाम पर यदि किसी ने चैनल चला दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मुनिराज का क्या लेना देना है? तुम मुनिराज की बात कर रहे हो, हम तो महावीर भगवान के नाम पर दुकान खोल करके बैठी है सारी दुनिया। कभी 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 तो इतना आश्चर्य होता है, महावीर बूट हाउस, महावीर भगवान ने अपने जीवन में कभी बूट नहीं पहने क्या? महावीर वस्त्र भंडार, महावीर भगवान ने अपने वस्त्रों का त्याग करके दिगंबर हो गए और भगवान बन गए, और ये भगवान महावीर स्वामी के नाम पर कपड़े बेच रहा है, भगवान महावीर स्वामी के नाम पर जूते बेच रहा है। तो किसी के नाम पर कुछ भी चलता हो उससे हमें क्या लेना देना है? बहुत बहुत है सारे दुनिया भर में, नाम अच्छा होना चाहिए बस। मैं तो सही कह रहा हूँ, दुनिया ऐसी है, यहाँ तो नाम अच्छा से अच्छा चाहिए। हमारे पास में लोग आते हैं, पंडित जी अच्छे नाम बताओ, नाम अच्छा हो। यहाँ तो हिंदुस्तान में तो जहर भी दवा के नाम से बिकता है, जहर को जहर कह करके बेचो तो कोई खरीदने वाला नहीं मिले, लेकिन जहर किस नाम से बिकता है? चूहे मारने की दवा, क्या चूहे
मारने की दवाई दुकान पे मांगते हैं लोग, दवाई देना भाई, कौन सी दवाई, चूहे मारने की दवाई, मारने की दवाई होती है कि मारने का जहर होता है? मारने का तो जहर होता है लेकिन मारने भी दवाई के नाम से, नाम अच्छा चाहिए, नाम अच्छा, अरे नाम अच्छा नहीं, तुम काम अच्छा करो तो जो तुम्हारा नाम होगा वही अच्छा हो जाएगा, सारी दुनिया उसको अच्छा कहने लग जाएगी, क्या कम है बोलो। मैं तो कभी कभी ऐसी भी बात करता हूँ, लोग हमसे अच्छे अच्छे नाम पूछते हैं और अच्छे अच्छे नाम बतलाते हैं, नहीं नहीं पंडित जी ये तो कॉमन हो गया, थोड़ा नया नाम बतलाओ, थोड़ा अलग हटके बतलाओ, किसी का नहीं हो ऐसा नाम बताओ, यार ये रख लो, अरे नहीं नहीं पंडित जी ये भी सुना हुआ है, नहीं नहीं पंडित जी ये भी अच्छा नहीं लगता है, कोई कोई और, ये तो हमारे उनके मामा जी के चाचा जी के भतीजों का उनका उनका भी नाम ऐसा है, ये नाम तो हमने एक दिन शिविर में सुना, कॉमन है, थोड़ा सा नया बतलाओ, किसी का नहीं हो ऐसा, यूनिक होना चाहिए। मैंने कहा बेटे रावण रख ले, किसी का नहीं मिलेगा तेरे को हिंदुस्तान में रावण नाम, अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बात कर रहे, मैं तो क्यों रावण नाम बुरा है क्या? रावण के माँ बाप ने जो रावण नाम रखा था वो अच्छा जान करके रखा था कि बुरा जान करके रखा था? अच्छा जान के रखा होगा ना, तो भाई नाम में कुछ दम नहीं है, इसलिए ये तो छोटी सी बात, आपका प्रश्न मेरे को सामने दिखाई दे गया, इसलिए मैंने इस तरह की बात कही है, आप व्यर्थ के प्रश्न न करें, सिर्फ चर्चा सुनते रहें, आनंद लेवें चर्चा का, बस। परिग्रह त्यागी महामुनिराज किस प्रकार के होते हैं? क्या वही बैठकते हैं, मेरे दिख जाता है मेरे को सामने, परिग्रह त्यागी महामुनिराज किस तरह के होते हैं बोलो? ऐसा होता है अंदर से त्याग किया जाता है, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह, क्रोध नाम का परिग्रह नहीं है, मान नाम का परिग्रह नहीं है, माया नाम का परिग्रह नहीं है, हास्य रति अरति आदि जो हैं ये ईषत कषायें हैं, ये किंचित कषायें हैं, उनसे सावधान रहते हैं, बच करके रहते हैं, उनमें उलझते नहीं, गुस्सा चेहरे पर नहीं दिखाई देगा, परिग्रह है भाई साहब, परिग्रह के त्यागी हैं। क्यों छोड़ दिया था आपने ये परिग्रह? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इस परिग्रह में सुख नहीं है, इस परिग्रह में रंच मात्र भी आनंद नहीं है भाई साहब। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, शाश्वत सुख को दिखाने वाला, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, ये कैसे हमारे महामुनिराज है भाई साहब। परिग्रह 24 भी, कपड़े नहीं है, जेवर नहीं है, बोलो धन दौलत नहीं है, बहिरंग परिग्रहों के नाम, अंतरंग तो 14 हो गए, बहिरंग 10 परिग्रहों के नाम, कपड़े क्यों नहीं है महामुनिराज के? दुनिया उंगली उठाती है नग्नता के ऊपर, कितने लोगों के द्वारा उंगलियां उठाई जाती है, अन्य मतियों के द्वारा, दूसरे धर्म दर्शन वालों के द्वारा, अरे यार तुम्हारे मुनिराज नंगे रहते हैं यार, ठीक नहीं है यार, ये लेडीज रहती हैं देखती हैं, गंदा है, गलत गलत बातें, कोई कपड़े पहनने चाहिए उनको, गलत बातें बिल्कुल। अरे भाई साहब आप जानते नहीं हैं, जैसे बालक की दशा होती है ना निश्चल दशा, क्या निर्विकारी दशा, छोटे बालक की, साल भर के 6 महीने बालक के बालक की, उस तरह की निश्चल दशा है हमारे महामुनिराज की। तन के प्रति वस्त्रों के प्रति अपनापन टूट गया है, कपड़े पहनने का राग नहीं बचा है, तो कपड़े पहनने की क्रिया कैसे हो सकती है? ये परिग्रह कैसे रख सकते हैं? इस परिग्रह में सुख नहीं है, उसका कैसे इकट्ठा करें? सारी दुनिया परिग्रह परिग्रह के पीछे भागी जा रही है, और महामुनिराजों का जीवन ये दिखाता है कि देख इसमें सुख नहीं है, ये उनका जीवन दिखा रहा है, हमारे जीवन से शिक्षा मिलती है, ये जीवन आदर्श है हमारे लिए। हर विषय भोगों की तरफ दौड़ते हुए व्यक्ति के लिए मुनिराजों का जीवन और मुनिराजों की चर्या ये आदर्श है। तो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों से रहित है, धन धान्य दास दासी क्षेत्र वास्तु है, और क्या कुप्य भांड कपड़े और बर्तन, द्विपद चतुष्पद दो पाया और चौपाया, सब तरह के आसन और शय्यासन, यान और शय्यासन, माने साधन नहीं होता उनके और शय्या नहीं होती, ये सब परिग्रह हैं महामुनिराज, इन सब परिग्रहों से रहित होते। देखो ये तो परिग्रह त्याग की बात हुई, अब मुनिराजों की ये समितियां, 28 मूल गुणों में 5 होती है समितियां, वे समितियां कौन कौन सी होती है? 5 समितियां हैं, नाम याद करना, ये है असली स्टाइल, क्या क्या करते हैं मुनिराज, वो सारा इन 5 समितियों में आ गया।
चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, निहार करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और किसी वस्तु को माने पीसी कमंडल आदि को उठाएंगे धरेंगे तो कैसे, पांच हो गई। इनके अलावा कोई काम नहीं, पांच के अलावा छठी कोई क्रिया बतला दो मुनिराज के जीवन में। सारी क्रियाएं शामिल हो गई यहां भाई, चलना, बोलना, चलेंगे, बोलेंगे, आहार लेंगे, चलने से संबंधित इरिया समिति, बोलने से संबंधित भाषा समिति, भोजन आहार से संबंधित एषणा समिति, फिर पीसी कमंडल आदि जो हैं उनको उठाना धरना, आदान निक्षेपण समिति, और आहार किया था तो निहार होगा तो प्रतिष्ठापन समिति। ये पांच समितियां हैं, नाम याद कीजिए, इरिया भाषा एषणा आर्य, याद है, शाबाश, इरिया भाषा एषणा, इरिया भाषा एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये पांच समितियां हैं। पांच में से दो की चर्चा करूंगा आज यहां और इस छंद में जो है, तो बाकी तीन की चर्चा कल होगी। फिर आइए देखो क्या कह रहे हैं यहां, अंतर चतुर्दश भेद बाहिर संग दश दाते टले परमार्ग तजि जो कर मही रखि समिति याते चले जग सुहित कर सब अहित श्रुति सुखद सब संशय हरे ओहो, क्या कह रहे हैं महामुनिराज हमारे, इरिया समिति, इरिया समिति, इरिया समिति किसका नाम है, तो चलने का नाम है कि सुनो भाई, चलने की क्रिया तो बाहर में होती है, चलने की क्रिया तो देह की क्रिया होती है, उस देह की क्रिया के काल में अंतरंग में चलने के प्रति विशेष आसक्ति का भाव नहीं होता। कितना चलेंगे मुनिराज, जब तक चल रहा है तब तक चल गए, जब भाव किया रुकने का तो रुक गए, समझ में आ रही है बात, जब शरीर से अशक्तता अनुभव लगने लगी रुक गए, जब विकल्प आया उठ करके चल दिए, समझ में आ रही है बात, अंदर से राग टूट गया है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, इन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में अंदर में जो वीतराग परिणति है वो तो है निश्चय से समिति, और उसके होने पर बाहर में चार हाथ जमीन दिखकर चलने रूप जो परिणाम है वो है व्यवहार से समिति परिणाम, और जो चलने रूप क्रिया दिखाई दे रही है ये देह की क्रिया है। बाहर में तीन चीजें हुई, अंदर में शुद्धता, चलने का भाव और चलने की क्रिया, क्रिया देह की, चलने का भाव अंतरंग में, और अंदर में विशेष प्रकार की शुद्धि, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य। कैसे चल रहे हैं, चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं मुनिराजों की बाहरी चर्या, चलने की क्रिया इधर उधर देख करके नहीं चलेंगे, झांकते हुए नहीं चलेंगे, नीचे जीव मर जाएंगे। हम जैसे लोग जैसे भक्त चलते हैं इधर उधर, ठोकर लग जाती है हमारे को, बोलो तो मुनिराज को ठोकर लग सकती है या नहीं, कैसे लगेगी, जब नीचे देख करके चलेंगे तो ठोकर कैसे लगेगी। श्रावकों को भी नीचे देख करके चलना चाहिए, आप कितना पालन कर सकते हैं पता नहीं, मुनिराजों की तो चर्या का अंग है, देख करके चलते हैं चार हाथ जमीन देख करके, या मुनिराज जैसे चलते हैं तो दृष्टि स्वयमेव चार हाथ आगे रहती है। सुनो, सहज चर्या है, खेचतान नहीं है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक चलते समय दृष्टि ही अपने आप ही नीचे रहती है। चार हाथ नापेंगे, चार हाथ कितना होता है भाई साहब ये बतलाओ, चार हाथ कितना होता है, चार हाथ माने क्या है, ये जूड़ा प्रमाण के दिया, जूड़ा प्रमाण क्या होता है, बोल दिया आपने, ऐसे शास्त्रों के शब्द बोल दिया आपने, जूड़ा प्रमाण
क्या होता है चार हाथ? बोले साहब चार हाथ का एक धनुष होता है। अब तूने धनुष बता दिया। भगवान आदिनाथ स्वामी की ऊंचाई कितनी थी शरीर की? बोले 500 धनुष की। तो पूछता है धनुष कितना होता है? तो हमने कहा चार हाथ का एक धनुष होता है। अब हमने कहा चार हाथ कितने होते हैं? बोले एक धनुष होता है। अरे हाथ कितना बड़ा है? इतना लंबा। किसी का हाथ लंबा और किसी का हाथ छोटा, कैसा माने? बोलो चार हाथ जमीन माने कितना समझे? मोटा मोटा क्राइटेरिया इतना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी बतलाऊंगा अभी आप लोगों को जानकारी की दृष्टि से। मोटा मोटा कैलकुलेशन इतना है भाई साहब कि जहां तक आंखों की दृष्टि से चींटी आदि जीव स्पष्ट दिखाई देवे चलते समय, बस इसका नाम है चार हाथ। समझ में आ रही है बात? बस इतना जितना दिखाई दे रहा है, एक धनुष प्रमाण हो गया। लगभग 5 फीट के आसपास का एरिया है, 5-5.5 फीट के आसपास का एरिया होगा लगभग। मैं यदि एग्जैक्ट बतलाऊं आपको, नाप करके इंच टू इंच बतलाऊं, तो मैं कह सकता हूं 164 सेंटीमीटर। क्या कहा? चार हाथ माने, चार हाथ का मतलब 1 मीटर और 64 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर। अब यदि आपको इसका इंच बनाना है, यदि आपको फिट बनाना है, तो 5.5 फिट हो गया लगभग। 164 में 30 का भाग दे दो, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की एक स्केल होती है आपकी, एक फिट की 30 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा? 3×5=15, 5 फिट हो गए और 5.5 फिट हो गए। 5.5 फिट में एक सेंटीमीटर कम, तो 5.5 फिट करीब। इतना आंखों से निगाह से बराबर बैठता है, इतना देख करके चलते। बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे, भीड़ में नहीं उलझना चाहते हैं, उनके आगे कोई नहीं चले, समझ रहे हैं आप? उनके आगे कोई चलेगा तो वो कैसे देखेंगे आगे? और ये तो नियम ही है हमारे यहाँ जिनागम में, तो इस प्रकार का नियम ही है कि पूज्य वामेतर हस्ते, जो भी पूज्य होते हैं वे आपके सीधे हाथ की तरफ होने चाहिए, जो आपके पूज्य पुरुष हैं। आप सावधानी रखिए, कभी आप किसी विद्वान के साथ में चल रहे हैं, कभी आप किसी मुनिराज के साथ में चल रहे हैं, संग में चल रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड में खड़े हुए और वे राइट साइड में चले, पूज्य वामेतर हस्ते, ये नियम है। मैं बहुत तरह की बातें हैं, अभी क्या क्या बातें बतलाऊं मैं आपको। मैं छोटी सी बात आपसे पूछता हूं, भगवान की वेदी पर प्रदक्षिणा देते समय ऐसे लेफ्ट से ही क्यों देते हैं, इधर से क्यों नहीं देते? बोलो क्यों? जब आप लेफ्ट साइड से प्रदक्षिणा देते हैं तो बीच में जो वेदी है वो पूरी प्रदक्षिणा के काल में आपके राइट हैंड साइड में रहती है। पूज्य है ना वे भगवान है, वे प्रभु है, वे राइट साइड में होते जो हमसे पूज्य होंगे। देखो मैं आपका लौकिक बात बतलाता हूं आपको, लौकिक दृष्टि से सुनो आप बात को। फेरे होने के पहले लड़की 6 फेरे तक दाहिने हाथ की तरफ बैठती है, क्या? और 6 फेरे के बाद स्थान बदल करके इधर हो जाता है। बोलो, फेरों के पहले का शादी का रिसेप्शन हो तो लड़की राइट में बैठेगी और लड़का लेफ्ट में बैठेगा, और शादी संपन्न हो जाने के बाद में हो तो लड़का राइट साइड में बैठेगा और वो लेफ्ट साइड में हो गई। सब समझ में आ रही है बात? क्यों ऐसी, ऐसा ही विधान है भाई साहब। अरे ऐसे ऐसे तक प्रमाण दिए हैं अपने यहां, क्योंकि पति परमेश्वर कहते हैं पुरानी भाषा में, तो वो पूज्य है, श्रेष्ठ है, इसीलिए तो उसे वर कहा गया है। वर माने उत्तम, वर माने श्रेष्ठ, तो उनकी दृष्टि में वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो राइट हैंड साइड में हो गए। अभी सुनो गजब की बात, ऐसे ऐसे पुराणों के उदाहरण बतलाता हूं आपको। मुनिराज इस उदाहरण को एक प्रतिज्ञा लेकर के निकले, कोई व्यक्ति जोड़े से खड़ा होकर के आहार दान दे रहा होगा तो आहार लूंगा। अब बोलो, जोड़े से खड़े होकर के प्रदान करेगा तो आहार लूंगा मैं। अब मुनिराज कैसे पहचानेंगे कि ये दो व्यक्ति जोड़े से खड़े हैं कि अलग अलग खड़े हैं? कैसे पहचानेंगे कि जहां जेंट्स के बगल में लेफ्ट साइड में लेडीज खड़ी है ये समझा जाएगा कि हस्बैंड वाइफ है, और यदि वो राइट साइड में है लेडीज तो इसका मतलब वो वाइफ नहीं है, बहन हो चाहे माँ हो चाहे पुत्री हो चाहे दूसरा कोई संबंध हो। समझ में आ रही है बात? ये ऐसे ऐसे उल्लेख हैं
अब ये छोटी छोटी सी बातें कौन समझे, कौन समझाए, कौन जाने इन सब बातों को। तो आप जिस समय चर्या के समय चल रहे हैं, चार हाथ जमीन देख करके मुनिराज चल रहे हैं, श्रावक के राइट साइड के अंदर होने चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूं मैं? प्रमाद तजी, प्रमाद लेकर के नहीं, नींदों में नहीं चलेंगे, आलस में नहीं चलेंगे, सावधान होकर चौक कर, कर माने होता है हाथ, चौ माने होता है चार, चौक कर चार हाथ, मही माने होता है पृथ्वी और लकी माने होता है देखकर, चार हाथ जमीन देखकर समिति ईरिया ते चले, ईरिया समिति से चलते हैं। ये हमारे महामुनिराजों की ईरिया समिति है, अत्यंत करुणा का परिणाम है, हमारे माध्यम से किसी जीव को कोई तकलीफ नहीं हो जाए। आपको मालूम प्रासुक जमीन के ऊपर चलते हैं मुनिराज, पानी भी प्रासुक होता है, पानी भी प्रासुक होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, और जमीन भी प्रासुक होती है। जमीन किस प्रकार के प्रासुक होती है कि जिस जगह से रास्ते से कोई व्यक्ति निकल गया हो सूर्योदय होने के बाद, रात्रि में विहार नहीं करेंगे, सूर्योदय होने के बाद कोई व्यक्ति वहां से निकल गया तो जो जीव जंतु थे ना वो उस व्यक्ति के निकल जाने से इधर उधर हो गए, तो जमीन प्रासुक हो गई। किताब कोई नहीं निकला हो तो बोले सूर्य की किरण पड़ गई तो फिर उस जमीन को प्रासुक मान लिया जाता है, प्रासुक जमीन पे चलते। जो कर वही लकी समिति ईरिया ते चले, ये ईरिया समिति की बात है। भाषा समिति के संदर्भ में अगली बात कहते हैं हम, किस प्रकार की होती है भाषा समिति। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर चंद्र ते अमृत जरे। जग सुहित कर, भाषा, भाषा वाणी किस प्रकार की होती है, मनराजों की वाणी किस प्रकार की होगी, बोलेंगे किस प्रकार से, कठोर वाणी नहीं होती, कर्कश वाणी नहीं होती, दूसरे का दिल दुखाने वाली वाणी नहीं होती, किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी नहीं होती, किसी का नुकसान पहुंचाने वाली वाणी नहीं होती, अरे वाणी में भी हिंसा नहीं होती, कैसी वाणी है। मुख चंद्र ते अमृत झरे, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, गजब कर दिया दौलत राम जी ने। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा से मानो जब वे बोल रहे हो तो ऐसा लगता है मानो अमृत झर रहा हो, मानो वे महामुनिराज बोलते हैं तो ऐसा लगता है बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, इनकी वाणी खिलती रहे, वाणी में इतना मिठास है। और कितने पॉइंट कहे इसमें, जग सुहित कर, सुहित कर, कर माने करने वाला, सुहित जगत के जीवों का भला करने वाली वाणी बोलते हैं। हम जो वाणी बोल रहे हैं इस वाणी से जगत के जीवों का उद्धार होगा, जगत के जीवों का भला होगा। सब अहित हर, सारे अहित को हरण कर लेने वाली, सब अहित हर, अहित नहीं है इसका मतलब हितकारी वाणी है, और हितकारी होनी चाहिए। अब हित में बड़ा चक्कर है, हित में चक्कर ये है, आपका हित पैसा कमाने में दिखता है क्या, आपका हित व्यापार बढ़ाने में दिखता है। महाराज वो लॉटरी का नंबर बता दो ना आज थोड़ा सा, ए भाई क्या बात कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है, तेरे लॉटरी लग भी जाएगी और करोड़ों की संपदा आ भी जाएगी, तो हमारी इस मुद्रा को देखा है तूने, इसमें सुख नहीं है इसलिए ये मुद्रा धारण की है, हम ऐसा उपदेश कैसे दे सकते हैं कि तुम्हारे खूब धन बढ़े, मित्र बढ़े, संपत्ति बढ़े, राज्य बढ़े, तुम व्यापार में उलझे रहो, ऐसा उपदेश कैसे दे सकते हैं। भला करने वाला उपदेश होगा ना भाई साहब, भलाई किसमें है ये बताओ, आत्महित का उपदेश देंगे। अरे मुनिराजों का उपदेश ऐसा होता है, कुंदकुंदाचार्य के वचन कह रहा हूं, कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं श्रावक यदि सामने आया है तो मुनिराज तो उसको ऐसा उपदेश देते हैं कि हे श्रावक तू मुनिव्रत अंगीकार कर। क्या कह रहे, प्रवचन सार ग्रंथ 200 नंबर की गाथा, क्या 201 नंबर की गाथा, वो कहते हैं परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। ये उपदेश होता है मुनिराजों का, मुनिव्रत अंगीकार कर। कब तक श्रावक बना रहेगा, कब तक ज्ञानी बन करके फिरता रहेगा,
कब तक कपड़े और परिग्रहों का भार अपने ऊपर लादे रहेगा? यदि सच में तू सुखी होना चाहता है तो परिग्रह का त्याग कर मुनि व्रत अंगीकार कर। सुख का रास्ता ये है, मुनि बनने का रास्ता माने सुखी होने का रास्ता है। ये उपदेश है हमारे महामुनिराजों का। अब उल्टा करो इस चीज को। अब हम मुनि बनने का उपदेश नहीं दे करके आप आए हमारे पास में, और हमारे पास में मुनिराज के पास में, और मुनिराज ने आपके ऊपर पीछे रख करके कहा जाओ तुम्हारा दिन दुगना रात चौगुना व्यापार बढ़ता रहेगा। और आप खुश हो करो यार क्या आशीर्वाद मिल गया महाराज, हो आपकी कृपा हो गई, खूब बिजनेस बढ़ेगा हमारा। रे मूर्ख ये जंजाल है, ये फंसना है। तू सोच रहा है तुझे अच्छा आशीर्वाद मिल गया, अरे ये जंजाल में फंसने का आशीर्वाद मिला है तुझे। जितना व्यापार में उलझा रहेगा, जितना दुनियादारी में उलझा रहेगा, उतने स्वभाव से दूर हो जाएगा। ये आशीर्वाद योग्य है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह अच्छा आशीर्वाद है क्या? दुनिया क्या चाह रही है बोलो? आप महाराज के पास में जाकर के पीछे लगवाओ अपने माथे पर तो क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को, यही चाहते हो कि नहीं? चौकड़ी मार दो। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, यह है वितरापता का मार्ग। भला कर भलाई किस में है, सारा झमेला उसमें, पंचेंद्री विषय भोगों में भलाई है या नहीं है पहले ये बता दो, उसमें सुख है या नहीं है? यदि उसमें सुख नहीं है तो उसका उपदेश कैसे दे सकते हैं बोलो? यदि उसमें सुख था तो स्वयं ने क्यों छोड़ा? सीधी सी बात है ना, खूब था क्यों छोड़ करके मुनि बने? इसलिए भाई ये भला करने वाली वाणी है, ये जग सुहित कर, जगत का भला करने वाली, सब अहित हर, सारे अहित को हर लेने वाली, श्रुति सुखद सब, श्रुति सुखद सुनने में आह मजा आ रहा है, ओह मजा आ रहा है, सुनने में सुखद है जिनकी वाणी, श्रुति सुखद और सब संशय हरे, सारे संशय मिट जाए, भ्रम मिट जावे, और भ्रम रोग हरे जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। भ्रम रोग हर, भ्रम नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व और भ्रम धोखा गलतफहमी, जगत के पदार्थों के संदर्भ में, विषयों में, सुख बुद्धि के संदर्भ में ये भ्रम जहां 100% निकल जावे, ऐसा मुनिराज का उपदेश होता है। ऐसे वचनों को सुनकर मानो हमने अमृत का पान किया हो, ऐसी मुनिराजों की भाषा समिति होती है। हमारे महामुनिराज इस तरह की 5-5 तरह की समितियों से सहित हैं। मैंने सिर्फ 2 समितियों की चर्चा आज यहाँ की है आपके बीच में, ईरिया समिति और भाषा समिति। 2 का नाम याद रखें, 2 की चर्चा गहराई से सुने। मैं कल आपके प्रश्नों को 35 मिनट तक के प्रश्नों को देख पाया, उसके आगे का देखने का टाइम नहीं मिला, मैं और आगे देखूंगा। आज भी जो प्रश्न आए उन्हें भी देखूंगा, व्यर्थ की चर्चाओं के जवाब नहीं देंगे, और सच में मुनिराजों के स्वरूप संबंधी जो चर्चाएं होंगी उन सब के जवाब आपको मिलेंगे। जो दौलत राम जी ने लिखा है, जो संतों ने लिखा है, जो आचार्यों ने लिखा है, जो शास्त्रों में मिलता है, जो आगम में मिलता है, पंचम काल के मुनिराजों ने जो लिखा है वो सारा वर्णन उन आचार्यों के शब्दों में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।